हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज सोनिया टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट की पॉइंट्स ऑफ गाइनाकोलॉजी मींस कुछ ऐसी गाइनाकोलॉजिक्स टर्म्स हैं कुछ ऐसे गाइनाकोलॉजिक की पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए और ये कॉम्पिटिटिव वे से भी और हमारी नॉलेज के वे से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम्यूटिक फ्ल्यूड वॉल्यूम रिच द पीक एट थर्टी सिक्स टू थर्टी एट वीक मतलब कि जो हमारा एमनियोटिक फ्लूड है जो मदर की भूम में होता है जो कि हमारे फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो अपने पीक लेवल पे मतलब कि उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कब बढ़ जाता है कब पीक लेवल आता है वो आता है हमारे थर्टी सिक्स टू थर्टी एट वीक पर और ये इसका अमाउंट कितना होता है इसका अमाउंट होता है हमारा थाउजेंड एम एल ठीक है तो ये अगर क्वेश्चन आता है कहीं पे भी आपसे कोई पूछता है कि एमनियोटिक फ्लूड का पीक पीरियड क्या होता है और उसका अमाउंट क्या होता है तो हमारा पीक पीरियड थर्टी सिक्स वीक्स टू थर्टी एट वीक्स अमाउंट होता है हमारा थाउजेंड एम नेक्स्ट है हमारा एम्योटिक फ्लूड इज़ एल्कलाइन इन नेचर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एम्योटिक फ्लूड जो है वो बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है बेबी को कोई हार्म नहीं कर रहा है तो उसका नेचर क्या है जिस वजह से वो बेबी को कोई हार्म नहीं पहुँचा रहा है तो उसका हमारा जो नेचर है वो एल्कलाइन इन नेचर है एसिडिक होता तो वो बेबी को हार्म पहुँचाता हमारा एम्योटिक फ्लूड का नेचर क्या है एल्कलाइन इन नेचर नेक्स्ट वी हैव फनिस इज़ द अदर नेम ऑफ़ द umbilical cord. umbilical cord का सेकेंड नेम क्या है फ्यूनिस भी पढ़ सकते हैं आप इसे और फनिस भी पढ़ सकते हैं इज अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं ठीक है अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि हमारी अम्बिकल कॉर्ड को किसी और नाम से क्या नाम है जिस नाम से जानते हैं तो वो है हमारा फ्यूनिस एफ यू एन आई एस फ्यूनिस ठीक है नेक्स्ट है हमारा फीटस लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू द कोकिक्स इज नोन एज क्राउन रंप लेंथ मतलब कि जो हमारा फीटस है तो हमने क्या अभी देखा कि जो हमारे बच्चे की लेंथ होती है वर्टेक्स वर्टेक्स मतलब द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल तो हमारे बच्चे का हाईएस्ट पॉइंट वर्टेक्स का यहाँ से स्टार्ट होकर कोकिक्स कोक सेक्रम हमारा यहाँ आता है सेक्रम से नीचे जो होता है वो हमारा कोकिक्स होता है तो कोकिक्स मतलब कि वर्टेक्स से लेकर बच्चे की कोकिक्स कोकिक्स तक की हाइट को हम क्या बोलते हैं को हम बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ अगर क्वेश्चन आता है कि बच्चे की हाइट वर्टेक्स एक फीटस की हाइट जो है वो वर्टेक्स से लेकर कोकिक्स तक उस जो हम मेजर करते हैं उस लेंथ को क्या बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्राउन रंप लेंथ इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्राउन से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिलेटेड टू हेड हम से आप ये याद रख सकते हैं हंप हम जो है वो बम्प से याद रख सकते हैं आप ठीक है हंप एंड बम्प तो ये एक को रिलेट कर रहा है तो क्राउन मतलब वर्टेक्स एंड रंप मतलब रिलेटेड टू नियर बाय बम जो कि हमारा कोकिक्स है ठीक है इसको बोलते हैं हम फिटेस्ट लेंथ फ्रॉम द वर्टेक्स टू द कोकिक्स इज नोन एज क्राउन रंप लेंथ। नेक्स्ट वी हैव क्लोएजमा ग्रेविडरम और मेलेज्मा ये क्या होता है अगर आपने कभी नोटिस uh, किया हो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर वीक्स पे उसके फेस पे कुछ झाइयाँ जैसे आने लगता है जैसे हम हिंदी में झाइयाँ बोलते हैं कुछ मार्क्स आने लगते हैं वो जो है उसे हम अपनी मेडिकल टर्म में उसे हम अपनी मेडिकल टर्म में या अपनी गाइनाकोलॉजी में हम क्या बोलते हैं क्लोएजमा ग्रेविडेरम और मेलेमा मीन्स इज़ पिगमेंटेशन अराउंड चीक फोरहेड एंड अराउंड द आइज इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी मास्क इसको हम क्लोएजमा ग्रेविडेरम मेलेज़मा और प्रेगनेंसी मास्क के नाम से जानते हैं ठीक है उसके बाद है हमारा माउट गो मेरीज ये क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शिबेसियस ग्लैंड इन एरियोला बिकम हाइपर मतलब कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारे ब्रेस्ट का एरियोला होता है ये जो हमारा ब्रेस्ट है इसका ये जो एरियोला है यहाँ पर ये जो हाइपर ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं माउंट ट्यूबरकल्स ठीक है नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस बोलते हैं एच सी जी ये क्या है ये कहाँ से सिक्रेट होता है ये हमें पता होना चाहिए इस सिक्रीटेड बाय द सिंगसाइटियोट्रोफोब्लास्ट सिंग सेल्स मतलब जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है उसकी दो कैटेगरीज होती है एक इनर लेयर एक आउटर लेयर जो आउटर लेयर होती है उसको हम सिंगसाइटियोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं जो कि हमारा एच सी जी रिलीज करता है और ये हॉर्मोन हमारी प्रेगनेंसी को मेनटेन करने के लिए जरूरी होता है नेक्स्ट वी हैव क्लोएजमा अपियर्स ऐट ट्वेंटी फोर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है या किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रेगनेंसी मास्क है जिसे हम मेलेजमा और क्लोजमा ग्रेविडरम बोलते हैं वो कब अपीयर होता है वो हमारा ट्वेंटी फोर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में अपीयर होगा नेक्स्ट है हमारा लीनिया नाइग्रा इज़ विजिबल एज अर्ली एज ट्वेंटीथ वीक ऑफ दी प्रेगनेंसी लीनिया नाइग्रा जो है इस पॉइंट को ये एक प्रेग्नेंट हमारा जो है ये ये हमारा प्रेग्नेंट लेडी का एक एब्डोमेन है जिस पे ये जो डार्केस्ट लाइन आप देख सकते हैं इसे हम लीनियन नाइग्रा बोलते हैं ये कब विजिबल होती है हमारे ट्वेंटी वीक ऑफ प्रेगनेंसी नॉर्मल लेबर कॉल्ड यूटोशिया अगर किसी लेडी को नॉर्मल लेबर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं यूटोशिया देन ऑब्सटेक्टिक ग्रीप इज़ ऑल्सो नोन एज लियोपोड मैन्यूवर्स मतलब जो हमारी ऑप्सटेटिक ग्रिप्स होती हैं जैसे कि पावलिक ग्रिप लेटरल ग्रिप पेल्विक ग्रिप इन सब्स को हम एक इसका अलग नाम क्या है लियोपोर्ड मैन्यूवर लियोपोड मैन्यूवर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इन ग्रिप्स को फाइंड आउट किया था जिन्होंने इसको सर्च किया था उन्हीं के नाम पर हम हम हमने इसका दूसरा नाम क्या रखा है ऑप्सटेटिक ग्रिप्स का लियोपोड मैन देन इजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन एज गलेक्टोकाइनेसिस जब हमारे ब्रेस्ट में से मिल्क जो है वो इजेक्ट होने लगता है ब्रेस्ट से मिल्क जो है वो निकलने लगता है उसको हम गेलेक्टोकाइनेसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को नेक्स्ट एबनॉर्मल लेबर इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्टोशिया अगर किसी लेडी को एबनॉर्मल लेबर पेन होता है एबनॉर्मल लेबर होता है उसको हम डिस्टोशिया बोलते हैं देन वजाइनल डिस्चार्ज फॉर फर्स्ट टाइम फॉर दी फर्स्ट फॉर नाइट इज कॉल्ड लोशिया इसे आप लोशिया भी पढ़ सकते हैं और कुछ लोग इसे लोकिया भी पढ़ते हैं ये क्या होता है हमारी मदर जो है फीटस को जब आपने जो वूम में फीटस होता है जब वो एक वेल डेवलप बेबी बन चुका होता है उसे बर्थ दे देती है उसके बाद जो मदर को डिस्चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं लोकिया या फिर लोशिया ये जो है थ्री टाइप्स का होता है लोशिया एल्बिकंस लोशिया सिरोसा और लोशिया रुबेरा ओके तो आज के लिए ये हमारे की पॉइंट्स थे गाइनाकोलॉजी से रिलेटेड आई होप आप सबको ये पसंद आए होंगे और कुछ ना कुछ आपको इससे नॉलेज ज़रूर मिली होगी अगर कोई भी डाउट हो कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा थैंक यू वेरी मच